अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वह टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स, और मार्केटिंग मिक्स को हम 4P's भी कहते हैं और 7P's भी कहते हैं। मार्केटिंग मिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग के हवाले से, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और मार्केटिंग मिक्स डायरेक्टली सपोर्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टू अचीव देयर सर्टेन टारगेटेड गोल्स। क्योंकि जब भी कंपनी अपना मार्केटिंग प्लान बनाती है तो उसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो जो उनका जो सर्टेन सेगमेंट है जो कंपनीज क्रिएट करती हैं, सेगमेंट के बाद उसको टारगेट करती हैं, तो उस हवाले से मार्केटिंग मिक्स बहुत ही हेल्प करती है कंपनीज़ को। क्योंकि जब आप एक दफ़ा मार्केट को आपने सेगमेंट कर लिया तो आपको मालूम होता है कि आपका जो सर्टेन सेगमेंट है उसके अंदर जो ग्रुप ऑफ बायर्स है उनका बिहेवियर कैसा है। क्योंकि जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना मार्केटिंग प्लान बनाती है तो उस मार्केटिंग प्लान को सपोर्ट करने के लिए मार्केटिंग मिक्स बहुत ज़रूरी है और उसको हेल्प आउट करती है। जितनी भी दुनिया की कंपनीज हैं, MNCs हैं, यूनिलेवर हो गया, PNG हो गया, नेस्ले हो गया, कोलगेट, मेडिकेम, पेप्सी, कोक, वो सब कंपनीज मार्केटिंग प्लान बनाती हैं और उसको जो मार्केटिंग प्लान का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब उस ऑब्जेक्टिव को हेल्प आउट करने के लिए मार्केटिंग मिक्स इस्तेमाल करती है, और मार्केटिंग मिक्स के अंदर चार चीज़ें बेसिक आती हैं, 4P's जिसको हम कहते हैं। अब तो वो 7P's हो गई हैं, तो हम सबसे पहले 4P's पे डिस्कस करेंगे। 4P's के अंदर सबसे पहले जो आपके पास P आएगी वो है प्रोडक्ट, उसके बाद है प्राइस, उसके बाद है प्लेस, उसके बाद है प्रमोशन। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट। अब जाहिर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्केटिंग प्लान होता है उसके अंदर जो टीम होती है मार्केटिंग के अंदर, जो मार्केटर होते हैं, दे गो टू द मार्केट एंड आइडेंटिफाई द नीड एंड वांट ऑफ देयर सर्टेन क्लाइंट्स, उसके बाद आके वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, कीपिंग इन व्यू द नीड एंड वांट ऑफ देयर क्लाइंट्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केटिंग मिक्स हेल्प्स कंपनीज टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, देयर गोल्स, एंड वी आल्सो कैन से दैट मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट अ फर्म यूज टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द टारगेट मार्केट। तो इससे साफ जाहिर हुआ कि जब आप मार्केट को सेगमेंट कर लेते हैं उसके बाद यू हैव टू टारगेट दैट पार्ट ऑफ द मार्केट, इसके लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए। और प्रोडक्ट आप जो है हमेशा जब भी आप बनाते हैं तो आप नज़र में रखते हुए अपने क्लाइंट्स को, अपने कंज्यूमर्स को बाद में बनाते हैं। और प्रोडक्ट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद जो फेज आता है वी कॉल इट प्राइस, एंड प्राइस इज़ ऑल अबाउट द मनी यू पे फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज, एंड द प्राइस कैन बी चेंज्ड एनी टाइम। और उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जो प्राइस होती है वो चेंज क्यों होती है। जब कंपटीशन की बात हम करते हैं, जब हम कंपटीटर्स की बात करते हैं, तो मैंने अपनी जो वीडियोस में पहले भी कह चुका हूँ कि जो कंपटीटर्स होते हैं वहाँ पे जो परफेक्ट मार्केट की जब हम बात करते हैं, जब हम रेड ओशन स्ट्रेटजी की बात करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कंपटीटर्स होते हैं और वहाँ पे जो रेट का फ़र्क होता है इतना खास ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 19-20 का फ़र्क होता है, और वहाँ पे प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए स्ट्रेटजीज जो है चेंज होती रहती हैं। As I said, the price can be changed any time. वहाँ पर आपने देखा होगा एकदम से 50% डिस्काउंट आ जाता है, उनकी सेल्स ऑफर्स लग जाती हैं शॉपिंग मॉल्स के अंदर, सेंटर्स के अंदर डिस्काउंट ऑफर्स आ जाती हैं, और डिफरेंट जो इवेंट्स होते हैं उस इवेंट्स के हवाले से भी काफ़ी ऑफर्स जो है वो कंपटीटर्स जो हैं अनाउंस करते हैं। तो ये क्या है, ये सब कुछ जो है प्राइस चेंज है, और इसको हम प्राइस सेटिंग स्ट्रेटजी भी कहते हैं। जब कंपनीज प्राइस सेटिंग स्ट्रेटजी पे काम करती हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि वो मद्देनज़र रखती हैं, कीपिंग इन व्यू देयर मार्केटिंग प्लान। वो कॉस्ट भी देखते हैं, वो कंपटीटर्स की प्राइस भी देखते हैं, ऑफर्स भी देख रहे होते हैं कि जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो क्या ऑफर कर रहे हैं। दीज एलिमेंट्स आर द पार्ट ऑफ प्राइस सेटिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, जब हम प्लेस की बात करते हैं तो प्लेस के अंदर काफ़ी चीज़ें कवर होती हैं। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेस के अंदर उस इदारे का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस फर्म का जहाँ बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ जहाँ वो अवेलेबल है, जहाँ जहाँ चीज़ें उसकी
मिल रही हैं कंज्यूमर को, उसको प्लेस कहते हैं। इवन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो वो जो वेबसाइट है वो आपकी प्लेस है। तो अगर हम MNCs की बात करें, PNG की बात करें, इंग्लिश बिस्किट्स की बात करें, नेस्ले की बात करें, एंग्रो की बात करें, एंग्रो फूड्स की बात करें, तो उनका जहाँ जहाँ एग्जिस्ट कर रहा है बिजनेस, जहाँ जहाँ वो चीज़ें वो अवेलेबल हैं टू बाय टू परचेज, उसको हम प्लेस कहते हैं। इवन अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है आपकी, वो आपकी प्लेस है। और ये बहुत बड़ा चेन है जिसको हम प्लेस कहते हैं। और प्लेस के अंदर मार्केटिंग चैनल्स आ जाते हैं, और मार्केटिंग चैनल्स को हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कहते हैं, और इसको हम ट्रेड चैनल भी कहते हैं। और ये स्टार्ट होता है फ्रॉम फैक्ट्री टू एंड यूज़र। लाइक फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आया, वहाँ बना, मैन्युफैक्चर हुआ, असेंबल हुआ, उसके बाद वेयर हाउस में आया। वेयर हाउस में आने के बाद जो है वो जब आपका पूरा एक ERP सिस्टम होता है, पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, MNCs के अंदर, वेयर हाउस के बाद पूरा वो स्टॉक जो है आप वाया ट्रांसपोर्टेशन आप भेजते हैं, कहाँ पर, डीलर के पास भेजते हैं या होलसेलर के पास भेजते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ से होलसेलर से या डीलर से माल जो है शॉपकीपर या रिटेलर के पास जाता है, और वहाँ पर जो है कंज्यूमर आकर अपनी जो है वो बाय करता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ऑफ द कंपनी, इट इज़ कॉल्ड प्लेस। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है जिसको हम प्रोमोशन कहते हैं, और प्रोमोशन को हम प्रोमोशन मिक्स भी कहते हैं। और इसके अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं। वो 6 एलिमेंट्स कौन से हैं? एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रोमोशन, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। और इसको हम टूल्स ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी कहते हैं। वो इस तरह कि आपने जब STP किया, आपने सेगमेंट किया, आपने टारगेट किया, आपने पोजिशनिंग की, ठीक है। जब आपने सेगमेंट कर लिया, उसके बाद आपने प्रोडक्ट बनाई। जब आपने प्रोडक्ट बनाई तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने बायर्स को, सर्टेन टारगेट मार्केट को इन्फॉर्म नहीं करेंगे थ्रू प्रोमोशंस, थ्रू एडवर्टाइजिंग, तब तक उस बायर को कैसे पता चलेगा कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च की है या आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए। जब तक आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो इसलिए जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी MNCs हैं, वो इंटीग्रेट मार्केट करती हैं। उनकी बहुत ही ज़बरदस्त होलिस्टिक मार्केटिंग होती है। और ये सब चीज़ें जैसे मैंने अर्ज़ किया आपको, जो 6 एलिमेंट्स आपको मैंने बताए प्रमोशन मिक्स के, इस तरफ जाती हैं। वो प्रिंट मीडिया की तरफ आती है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आती है, होर्डिंग्स यूज़ करती है, बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स यूज़ करती है, और पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग करती है। बहुत सारे फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है, प्रमोशंस हैं जिसकी तरफ वो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आपने प्रोडक्ट बनाई, लेकिन किसको क्या पता चला कि आपने क्या बनाया, जब तक आप उनको इन्फॉर्म नहीं करें उस सर्टेन टारगेट मार्केट को। जिसे हम कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। जब तक आप प्रमोशंस नहीं करेंगे, और जो मार्केट लीडर होता है वो, तो जैसे मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया, जो मार्केट लीडर होता है वो तो इन चीज़ों के ऊपर खेलता है, इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। वो मीडिया स्पेंड करता है, वो मार्केटिंग मिक्स के ऊपर खेलता है, वो प्राइस स्ट्रेटजीज के ऊपर खेलता है, तब जाके उसको टारगेट अचीव होता है। क्योंकि वो जो ये जो सब कुछ कर रहा है वो उस ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए कर रहा है जो कंपनी ने बनाया है, और उसके लिए उसको हेल्प आउट कर रही है मार्केटिंग मिक्स। एंड दीज ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो गाइस, आज हमने 4P's के ऊपर डिस्कस किया, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 3P's जो रिमेनिंग है उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि जब हम गुड्स की बात करते हैं तो उसमें 4P's आते हैं, और जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो उसमें 3 और P's ऐड हो जाते हैं, लाइक पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।